लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन एक बार फिर 293 सीटों के साथ विजय हुआ है। हालांकि बीजेपी 240 सीटों के साथ बहुमत से काफी दूर रह गई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। हारने वाले उम्मीदवारों में स्मृति ईरानी से लेकर दिग्विजय सिंह तक का नाम शामिल है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ दिग्गज नेताओं के प्रदर्शन के बारे में। स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल ने हराया। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से भाजपा के रोडमल नागर ने हराया। मेनका गांधी सुल्तानपुर में सपा के रामभुआल निषाद ने हराया। भूपेश बघेल राजनंदगांव में भाजपा के संतोष पांडे ने से हराया। नकुलनाथ कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा से हारे। उमर अब्दुल्ला बारामूला से निर्दलीय अब्दुल राशिद ने हराया। माधवी लता हैदराबाद से ओवैसी ने हराया। अर्जुन मुंडा खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने हराया। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने हराया। अधीर रंजन बहरामपुर से टीएमसी के यूसुफ पठान ने हराया। अजय मिश्रा टेनीखीरी से सपा के उत्कर्ष वर्मा ने हराया। आरके सिंघारा से सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद ने हराया।